नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपके स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ पीएफ का बैलेंस ऑनलाइन कैसे पता करना है जैसे कि इम्प्लॉय शेयर हो गया इम्प्लॉय शेयर प्लस आपके पेंशन का पैसे उसके साथ साथ आपको कितना इंटरेस्ट मिला है अगर आप भी चेक करने चाहते हो लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ तो अगर आप एक मेंबर हो तो वीडियो कंप्लीट देखते है तभी तो आपको यहाँ पर डिटेल से पता चलेगा अपने पीएफ का बैलेंस ऑनलाइन कैसे पता करना है चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है नेक्स्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है यूएन पास यही आपको टाइप करना है उसके बाद सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देना है नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा ईपीएफ में पासबुक ई पी एफ इंडिया तो क्या करना है इसी वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आने चाहते हो इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हो मोबाइल से भी कर सकते हो प्रोसेस यहाँ पर सेम है नेक्स्ट आपने जो भी यूएन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है आपके जो भी यूएन के पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है नेक्स्ट है जो कैप्चा दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है कैप्चर यहाँ पर फिलअप कर देना है अगर आपको कैप्चर समझ में नहीं आ रहा है इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू कैप्चर आ जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही न्यू कैप्चर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है बहुत बार यहाँ पर ई के साइड में प्रॉब्लम आता है कैप्चर नहीं आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिना कैप्चर के भी यहाँ पर हो जाता है अगर आपके पास इसी तरीके से कैप्चर आ रहा है है तो आपको आपको पर पर कैप्चर करना और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा अगर आपने क्लेम स्टेटस चेक करने चाहते तो आपको क्या करना है इसी, तो इसी, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है कितने बार आपने क्लेम किया है वो तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अगर आपके क्लेम पेंडिंग होगा तो इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद जितना भी आपके क्लेम पेंडिंग होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जैसे कि इस केस में कोई भी क्लेम पेंडिंग नहीं है अगर आपके क्लेम सेटल हुआ है तो आपको क्या करना इसी के ऊपर क्लिक करना है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कितना अमाउंट सेटल हुआ है कौन सा डेट को क्लेम सेटल हुआ है सारे कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा अगर आपके क्लेम रिजेक्ट हुआ है इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके क्लेम जितना भी रिजेक्ट हुआ है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा फिलहाल यहाँ पर कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं है अगर आपके डिटेल्स चेक करने चाहते हो आपको यहाँ पर प्रोफाइल दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ

सकते इम्प्लॉय शेयर मतलब अपने पैसे जो भी है टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देगा और कंपनी के शेयर जो भी आपके होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पेंशन के शेयर जितना भी आपके कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है सारे कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा लेकिन इस मेम्बर के अभी अभी विड्रॉल हुआ है जैसे की आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे तो यहाँ पर क्लेम सेटल हो चुका है और पी का पैसे विड्रॉल हो चुका है इस वजह से यहाँ पर तीन और त्रिपन रुपया दिखाई दे रहा है तो अगर आपको भी ज्यादा से ज्यादा पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर शेयर मिला के, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा इस वाले वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा नहीं तो इस वाले वीडियो के नीचे एक वीडियो के लिंक दे दूंगा उस वाले वीडियो को देख के इसी तरीके से आप सारे पैसे विड्रॉल कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो छप्पन रुपया रह गया और यहाँ पर देख सकते हो सारे पैसे विड्रॉल हो चुका है लेकिन एडवांस में अगर पीएफ का पैसे विड्रॉल करने चाह तो पेंशन के शेयर विड्रॉल नहीं होगा ये सारी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पेंशन का शेयर तभी विड्रॉल होगा जब भी आप काम छोड़ दोगे मतलब रिजाइन दे दोगे उसके बाद पेंशन का पैसे विड्रॉल होगा तो एडवांस में मैंने विड्रॉल किया था, इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो तीन रूपया और तिरपन रूपया दिखाई दे रहे यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अपने पैसे कौन सा है कंपनी के पैसे कौन सा है और पेंशन के शेयर कौन सा है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया अगर आपको इंटरेस्ट चेक करना है तो आपको क्या यहाँ पर दो हजार बाईस तेईस में आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है जिस भी यार में आप चेक करने चाहते हो आपके इंटरेस्ट कितना आया है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से चेक करना है सबसे नीचे आना है आपको यहाँ पर आई दिखाई देगा आई अपडेट अप टू 31 तीन दो आपको क्या करना है नीचे आना है और आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा कितना इंटरेस्ट मिला है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर मतलब हमारे पैसे जो भी हुआ है उसमें से जो भी इंटरेस्ट मिला है वो वो आपको आपको पर पर दिखाई दिखाई देगा देगा और कंपनी के शेयर में जो भी इंटरेस्ट मिला है वो आपको यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इम्प्लॉय शेयर इंप्लॉय शेयर पेंशन का पैसे और यहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है तो हर साल यहाँ पर आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो तो जो भी मैंने प्रोसेस था डिटेल्स आपको बता दिया दोस्तों ये था छोटे जानकारी जानकारी आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले